हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर जिस किसी स्टूडेंट को कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, वो काउंसलिंग फिर से कर सकते हैं, उनको मौका मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि मैं यूपी डेलेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। अगर आप भी ऐसा पेज खोलना चाहते हो तो आप सिंपली updeled.gov.in लिख कर आ सकते हो, ठीक है, कोई भी ब्राउजर में। अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप जैसे ही नीचे जाओगे और लिखा होगा चॉइस फिलिंग, ठीक है, तो आप चॉइस फिलिंग पर जैसे ही क्लिक करोगे, पहले क्या था कि ये क्लोज था लेकिन अब इसे ओपन कर दिया गया है। जैसे हम क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है गाइस, देन प्लीज वेट। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि ऐसा पेज ओपन हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हो कि आप यहाँ से अगर आपने जनरेट ओटीपी किया है तो आप सिंपली यहाँ से लॉगिन कर सकते हो। अगर अभी तक आपने अपना जनरेट, लेकिन फिलहाल तो सभी ने जनरेट ओटीपी कर लिया होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि जिनको कॉलेज कोई भी अलॉट नहीं हुआ है उन्हें मौका दिया गया है, ठीक है गाइस। तो आप यहाँ से सिंपली अपना जो ओटीपी आपने क्रिएट किया होगा, आप वहां से वो इसमें फिल करना है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो क्या किया गया है, सेलेक्ट कोर्स फिल कर लेना है, फिर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, वन टाइम पासवर्ड, ठीक है। अगर आपने जनरेट ओटीपी किया है तो आप वही फिल करना। अगर आपके पास नहीं है, आई थिंक होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि रैंक 1 से 3,33,090 वाले सबको काउंसलिंग करने को मौका दिया गया था। इसमें वो काउंसलिंग करेंगे जिनको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, वो काउंसलिंग करेंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास वन टाइम पासवर्ड है तो आप इसमें फिल करके सिंपली, और यहाँ से कैप्चा कोड, एक मिनट में यहाँ बात बता दूँ आपको कैप्चा कोड क्या करना है। अगर आप फोन में खोल रहे हो ना तो वो एक बार में शो नहीं करता है, तो इसको सिंपली आपको क्या करना है, एक बार रिफ्रेश आप जैसे ही करोगे तो ये शो होने लगेगा, ठीक है। देखिए, जैसे कि मैंने रिफ्रेश किया तो ये शो होने लगा। उसके बाद ये सब कुछ फिल करके आप लॉगिन कर सकते हो। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन ये आ रहा है कि अगर हमें कोई कॉलेज मिल गया, ठीक है, कोई कॉलेज मिल गया, अलॉट हो गया और वो मेरा पसंदीदा कॉलेज नहीं है, तो क्या हम उस कॉलेज को छोड़ के फिर से काउंसलिंग करा सकते हैं या नहीं? तो जी नहीं, आप फिर से काउंसलिंग नहीं करा सकते हो। आप सिंपली क्या करोगे, 30 अगस्त के बाद डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो, और डायरेक्ट एडमिशन का सेम उतना ही फीस लगता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये भी होता है कि डायरेक्ट एडमिशन में स्कॉलरशिप नहीं आती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेज है जहां पर पूछने पर तो वो बोलते हैं कि हाँ, स्कॉलरशिप आता है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी कॉलेज, पसंदीदा कॉलेज नहीं मिला है, तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले लो, ठीक है। मुझे बस ये आप सभी को यही इन्फॉर्मेशन देना था कि काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। अगर जिस किसी को कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, वो फिर से काउंसलिंग स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो अगर आप यूपी डेलेट की सारी जानकारी पाना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और जिस किसी ने अभी तक अपना रिजल्ट नहीं चेक किया है वो रिजल्ट चेक कर सकता है, ठीक है। चलिए मैं बता देती हूँ एक बार कहाँ से आप रिजल्ट चेक कर सकते हो। आपको देख, जैसे कि मैं बैक चलती हूँ, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो कि अलॉटमेंट रिजल्ट है, ठीक है। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो, ठीक है गाइस। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि, एक बार नीचे स्क्रॉल करते हैं, अभी लोड ले रहा है, आप यहाँ देख सकते हो कि सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, ठीक है। आपको सिलेक्ट कोर्स करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेना है, कैप्चा कोड फिल करना है, उसके बाद गेट रिजल्ट। अब जैसे ही गेट रिजल्ट करोगे तो आपको शो हो जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। उसके बाद आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है। उसके बाद पेमेंट जैसे ही करोगे तो आपका पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद फिर से बैक आना है, उसके बाद कोई भी नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आता है, बैक आना है, फिर से पे लिखा होगा उस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो फिर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करना लेना। बस मुझे आप सभी को यह इन्फॉर्मेशन देना था। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम यूपी डीएलएड की सारी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करते हैं। तो मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर एंड सी यू अगेन।